Okay, now after the completion of the all the algorithms, we are moving to the program of the that we code inside the C programming language. Yes, हम लोगों ने टर्बो सी के अंदर ये प्रोग्राम क्रिएट किया है. आप ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को टाइप कर सकते हो, ऑनलाइन एडिटर अवेलेबल है. यस, आप रन करके देख सकते हो. यस, हाउ द पर्टिकुलर प्रोग्राम विल वर्क. यस, ये सिंपल प्रोग्राम है एरे ऑपरेशन का, जो आप सभी लोग पहले भी किए थे आपके फर्स्ट या सेकेंड सेम के अंदर, और अभी हम इसको थोड़ा रिवाइज करेंगे. ओके, नाउ लेट अस सी द हाउ वी क्रिएटेड द पर्टिकुलर प्रोग्राम. फर्स्ट वन, डेफिनेशन ऑफ द प्रोग्राम. क्रिएट अ प्रोग्राम फॉर द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन द एरे. ऑपरेशंस आर क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट, फोर्थ व्यू एंड फिफ्थ वन इज सॉर्टिंग. यस, सो वी कैन से नाउ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर दो फाइल इंपॉर्टेंट होती है. हेडर फाइल इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच एंड इंक्लूड फोनियो डॉट एच. यस, दिस वन इज फॉर द इनपुट आउटपुट, और वी कैन से प्रिंट एफ स्कैन एफ, एंड दिस वन इज फॉर द होल्डिंग द स्क्रीन गेट सी एच. नाउ ये क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन. वेरिएबल हमने कैसे डिक्लेयर किया है, ग्लोबली, क्योंकि हम इंसर्ट, डिलीट, व्यू एंड सॉर्ट का फंक्शन बनाने वाले हैं, तो कॉमन वेरिएबल होना चाहिए सभी के अंदर. सो हमने यहाँ पर ग्लोबली वेरिएबल को डिक्लेयर किया है. यस, एरे का साइज क्या है, 10 है. सो हम 10 से ज्यादा एलिमेंट्स को एंटर नहीं कर पाएंगे. एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ओके, नाउ वॉइड मेन. वॉइड मेन के अंदर हमने पहले क्या दिया है, इंटीजर सी एच चॉइस दिया है. चॉइस का बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 1. यस, बाय डिफॉल्ट यानी कि लूप में जाने के लिए पहले हम सी एच को इनिशियलाइज करेंगे, सो ये डायरेक्ट लूप में चला जाएगा. नाउ वी डिक्लेयर द क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट, व्यू एंड सॉर्ट. क्रिएट विल क्रिएट द एरे, इंसर्ट विल इंसर्ट द एलिमेंट इन द पर्टिकुलर पोजिशन, डिलीट विल डिलीट द पर्टिकुलर फ्रॉम द पर्टिकुलर पोजिशन, एंड व्यू होल द एरे विल व्यू, एंड सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग. यस, नाउ सी एल आर एस सी आर क्लियर द स्क्रीन. ओके, व्हाइल लूप. व्हाइल लूप के अंदर हमारे पास टोटल चॉइस लेस देन इक्वल टू 5 रखा है. 5 क्यों रखा है, अगर ये कंडीशन के बाहर जाता है तो हमें क्या करना है, स्क्रीन या जो भी हमारा प्रोग्राम है वहां से हमें आउट हो जाना है. यस, और वी कैन से एग्जिट होना है. सो यहाँ पर चॉइस लेस देन 5 है. यस, हमने प्रिंट किया है, प्रिंट एफ स्लैश एन, यानी कि क्या न्यू लाइन में जाएगा. यस, कौन सा, फर्स्ट एलिमेंट दैट इज अ क्रिएट, सेकंड वन इज इंसर्ट, थर्ड वन इज डिलीट, फोर्थ वन इज व्यू एंड फिफ्थ वन इज सॉर्टिंग एंड सिक्स्थ वन इज एग्जिट. ओके, ये सिंपल क्या हो रहा है, मेनू प्रिंट हो रहा है, और मेनू प्रिंट करवाने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटर योर चॉइस. हम यहाँ पर अपना चॉइस एंटर करवा देंगे और वी कैन से स्कैन करवा देंगे. सो यहाँ पर क्या यूज होगा, स्कैन है, परसेंटेज डी इंटीजर वैल्यू है, सो उसको इनपुट करने के लिए क्या चाहिए हमें, परसेंटेज डी एम परसेंट सी एच, यानी कि क्या ये जो है वो इनपुट होगा. यस, रीडिंग द वैल्यू. इफ हम यहां पर सारी इफ एंड एल्स इफ कंडीशन में चॉइस को कंपेयर करें, इफ सी एच इज इक्वल टू 1 देन व्हाट हैपन, वी नीड टू कॉल क्रिएट. अगर चॉइस सी एच 2 है तो हमें क्या कॉल करना है, इंसर्ट कॉल करना है. चॉइस 3 है देन वी हैव टू कॉल डिलीट. चॉइस 4 है देन वी हैव टू कॉल व्यू. चॉइस 5 है देन वी हैव टू कॉल सॉर्ट. यस, और अगर कोई भी चॉइस नहीं है तो हम बाहर निकल जाएंगे लूप से, और यहां पर हम क्या करेंगे, हमारा प्रोग्राम से हमारा एग्जिट हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट वन जो है दैट इज अ वॉइड क्रिएट. वॉइड क्रिएट विल क्रिएट योर एरे.
यस। सो यहां पर आई लिया है हमने इंटीजर आई, लूपिंग पर्पस के लिए प्रिंटेप क्या किया, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यस। एंड यहां पर हमने स्कैनअप क्या किया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज द एन, यस। सो यहां पर पहले प्रिंट होगा एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो हम फाइव करेंगे तो फाइव नंबर का एरे बनेगा, अगर हम 10 करेंगे तो 10 नंबर का एरे बनेगा, और अगर हम 3 करेंगे तो 3 नंबर का एरे क्रिएट होगा, यस, 3 एलिमेंट्स का। ओके, यहां पर हमने एरे कहां से स्टार्ट किया है, जीरो से स्टार्ट किया है। एल्गोरिदम ने हमने कहां से स्टार्ट किया था, वन से स्टार्ट किया था, तो हमें थोड़ा यहां पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ेगा हर एक फंक्शन के अंदर। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, वाइड व्यू। वाइड व्यू के अंदर हम क्या करवाएंगे, पूरे एरे को व्यू करवा लेंगे। सो सिंपल लूप चलेगा, आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। तो ये पूरा क्या करेगा, प्रिंट करेगा एरे ऑफ आई, यानी कि सारे एलिमेंट्स को ये यहां पर प्रिंट कर देगा वन बाई वन। ओके, नेक्स्ट वन होगा डेट इज अ वाइड इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर जैसे हमने एल्गोरिदम में फॉलो किया था वही सब कुछ हमें फॉलो करना है। पहले हम क्या लेंगे, पोजीशन लेंगे, उसके बाद आइटम लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे एंटर द पोजीशन एंड आइटम, ये एंटर हो जाएगा। उसके बाद लूप हमारा चलेगा फॉर लूप, एन माइनस वन आई ग्रेटर इक्वल टू पोजिशन माइनस वन आई माइनस माइनस, ये लूप क्या करेगा, शिफ्ट डाउन करेगा हर एक एलिमेंट। यस, यहाँ पर लूप के अंदर थोड़ा सा चेंजेस है एल्गोरिदम और प्रोग्राम के अंदर। डेट जैसे मैंने बताया था, लूप हमने स्टार्ट किया है जीरो से और एरे हमारा स्टार्ट होता है वन से, सॉरी एल्गोरिदम हमने वन से किया था ट्रेस, यस। सो यहाँ पर उसी के हिसाब से सारे एलिमेंट इंक्रीज इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं। ओके, ए ऑफ आई प्लस वन इज इक्वल टू ए ऑफ आई, ये सिंपल है, जैसे हमने एल्गोरिदम में पढ़ा था वैसा ही है। देन यहां पर ए ऑफ पोजिशन माइनस वन इज इक्वल टू आइटम, यस। यहां पर हमें पोजिशन माइनस वन करना पड़ेगा क्योंकि हमारा आई कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, एंड देन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वाइट डिलीट, वाइट डिलीट क्या करेगा, पर्टिकुलर पोजीशन से आइटम को डिलीट करेगा। सो यहां पर हम क्या करेंगे, एंटर द पोजीशन, यस, हमने यहां पर पोजीशन इनपुट करवा दिया है। आई क्या है, दैट इज अ पोजीशन माइनस वन, जैसे हमने एल्गोरिथम में पढ़ा था वैसा ही, यस, आई लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन। सो यहां पर हम क्या करेंगे, शिफ्ट अप करेंगे हर एक एलिमेंट को। सो ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस वन, एंड आई प्लस प्लस होगा, सो ये वी कैन से दोनों एलिमेंट मैच हो जाएंगे। कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगा हमें क्या करना है, हमारा एलिमेंट डिलीट हो चुका होगा और हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट को डिक्रीज करेंगे। सो एन इज इक्वल टू एन माइनस वन। नेक्स्ट वन इज द सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के अंदर किया है दैट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, यस, जे इज इक्वल टू आई प्लस वन, यस, यहां पर एक एलिमेंट ज्यादा होगा एंड जे लेस देन एन, बाकी का सेम टू सेम है जैसा हमने एल्गोरिदम का अंदर लिखा है। इंटरचेंज द एलिमेंट, t इज इक्वल टू ए ऑफ आई, ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे इज इक्वल टू टी, यस। लेट अस रन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम दैट वी सीन इन द एडिटर। के स्क्रीन थोड़ा सा ब्लिंक हो रहा है, आई थिंक रिकॉर्डिंग की वजह से। ओके, नाउ रन करके देखते हैं, सेम एल्गोरिदम है, एरर आ गया। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व द एरर। D, I think D is the error. Now let us run this particular. First we create the array, enter the number of element. Let us say for 4, 10, 2, 3, 6, ये हम चलिए व्यू करवा लेते हैं। एलिमेंट व्यू हो रहा है,
नाउ लेट अस डू इंसर्ट, कौन सा पोजीशन चाहिए हमें, फॉर एग्जांपल सेकंड पर हम इंसर्ट करेंगे, सो सेकंड पर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, डेट इज द वन, एंटर द पोजीशन एंड आइटम, सो पोजीशन क्या है, टू है और आइटम क्या है, वन है, ओके व्यू करते हैं, सो यू कैन सी ये पूरा व्यू हो रहा है, 10, 1, 2, 3, 6, नाउ लेट अस डिलीट, एंटर योर चॉइस 3, यस, एंटर द पोजीशन, क्या पोजीशन हम एंटर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल सेकंड, अगेन व्यू करेंगे, आप देख सकते हो कि जो हमने वन इंसर्ट करवाया था वो डिलीट हो चुका है, ओके नाउ लास्ट ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे, डेट इज द सॉर्टिंग, सो फाइव को हम सिलेक्ट करेंगे एंड प्रेस ऑन द एंटर, यहाँ पर कुछ डिस्प्ले नहीं होगा बट सॉर्ट हमारा हो चुका है, सो लेटेस्ट व्यू, सो यहाँ पर हम पूरा सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, व्यू भी हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, यस, तो पूरा हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, सो लेटेस्ट प्रैक्टिस द एल्गोरिदम बाय यूजिंग द ट्रेसिंग, देन वी डू प्रोग्राम, सो यू क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट हैपन इनसाइड द प्रोग्राम, यस, एंड एग्जिट करते हैं अभी, ओके, सो ये जो भी हमने किया ये सब कुछ रन हो रहा है, यस, ओके, आई विल ऑल्सो गिव द प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन, यस, गूगल डॉक्स पर मैं अपलोड कर दूंगा, सो वहां से आप प्रोग्राम देख पाओगे और आपको जहां पर टाइप करना है, जहां पर प्रैक्टिस करना है, अगर आपको नोटबुक में लिखना है तो भी आप लिख पाओगे, यस, सो आई होप दैट अल्गोरिदम के अंदर हमने डीपली देखा था कि क्या हो रहा है, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम कि क्या प्रोग्राम में लिखा हुआ है, एंड इट इज अ सी सिंपल सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो यू कैन प्रैक्टिस ऑन द एडिटर और इनसाइड द नोटबुक एंड देन यू कैन रन द पर्टिकुलर प्रोग्राम, यस, थैंक यू ऑल.